सवेरा, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. तुमने माहिर को देखा है कहीं? इट्स 11 o'clock. इस टाइम वो ऑफिस के अलावा कहाँ हो सकता है? ऑफिस पे चले गए. मम तुम्हारे बारे में ब्रेकफास्ट पे पूछ रही थी, लेकिन माहिर ने कहा कि तुम सो रही हो तो तुम्हें डिस्टर्ब ना करें. हाँ यार, आंखें नहीं खुली मेरी टाइम पर. माहिर ने भी तो नहीं जगाया. मैं माहिर को बहुत अच्छे से जानती हूँ. उसे खुद से ज्यादा दूसरों के आराम की ज्यादा फिक्र होती है. एनीवेज, तुम उसे कॉल कर लो. अच्छा चलो, मैं चलती हूँ. मम मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता देना, सही है? ओके, बाय. ऑफिस. जितनी मासूम तुम दिखती हो ना, इतनी हो नहीं. आई नो, अदनान साहब के सामने डिलिबरेटली तुम आई उनको एहसास दिलाने के लिए कि उनकी बेटी के मुकाबिल माहिर ने तुम्हें चूज किया है ना? नहीं आंटी जी, मैं किसी के सामने कोई जानबूझ कर नहीं है. मैंने तो सिर्फ उतना किया जो एक मेजबान को एक मेहमान के साथ करना चाहिए था. पर हाँ, वो अपने दिल में इतनी नफरत लेकर आए, इस बात का इल्म नहीं था मुझे. अदनान साहब कोई मेहमान नहीं है, वो इस फैमिली के फर्द हैं, मुनीजे के डैडी हैं. मैं जानती हूँ वो मुनीजे के वालिद हैं, और हर बाप की तरह वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत भी करते हैं. लेकिन ये क्या आंटी जी, उन्होंने तो अपना इतना पुराना रिश्ता आपके साथ तोड़ने की कोशिश की. शायद वो अपने आप को इस फैमिली का फर्द नहीं समझते. मुझे मत बताओ कि वो क्या समझने लगते हैं, लेकिन तुम एक बात समझ लो, मेरे मेहमानों के सामने आइंदा कभी जुरत मत करना आने की. मेहमान नवाजी के लिए इस घर में और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, समझी? मेहमान नवाजी माय फुट.